आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप यहाँ पर सैमसंग का कैमरा जब ओपन करते हैं गाइस, कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब भी आप फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो फ़ोटो है वो दिखाई नहीं देती। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जब आप ओपन करते हैं इसे तब भी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, कुछ ऐसा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, फ़ोटो दिखाई नहीं देती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, आपको बैक आ जाना है, कैमरे को बैकग्राउंड में से कट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप्स खुल कर रहता है, इसके अंदर आ जाना है। इसके बाद भी आगे स्टेप्स हैं गाइस, वो भी आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको कैमरा सर्च कर लेना है, या फिर नीचे आपको मिल जाएगा कैमरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरे के अंदर आने के बाद यहाँ पर वो सबसे पहली चीज़ फोटो स्टॉप कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर नीचे आना है थोड़ा, फिर स्टोरेज में आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्लियर कैश कर लेना है, फिर क्लियर डेटा कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर में आ जाना है, स्टोरेज में आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके एडवांस्ड में आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको जो एसडी कार्ड है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर अनमाउंट कर देना है। अनमाउंट करने के बाद माउंट कर लेना है, यानी इसका मतलब आपका जो एसडी कार्ड है वो रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर माउंट करने के बाद आ जाएगा फिर से एसडी कार्ड। आपको यहाँ पर खोल के निकालने की ज़रूरत नहीं है एसडी कार्ड को, आप ऐसे भी करके निकाल के लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड। इसके बाद बैक आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको कैमरा ओपन कर लेना है अपने फ़ोन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा भी ओपन हो जाएगा और फोटो भी दिखने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको फिर से ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको ओपन कैमरा ऐप जैसे वो इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिससे आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं ईजिली, और ये हैंग नहीं होगा एप्लीकेशन, और बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। ब्राइटनेस कैसे कम करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है ओपन कैमरा के ऊपर, तो वो आप देख लीजिए, जिसे ब्राइटनेस आप कम कर सकते हैं ओपन कैमरा ऐप की, इससे कैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मैं सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।